दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है दिल्ली जॉब। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बैक टू बैक सीरीज चल रही है दिल्ली होमगार्ड की, और हमने आपको स्टार्टिंग से ही सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं, एक एक फिज़िकल की डेट बताई है और हमारे बताए हुए के हिसाब से फिज़िकल हो भी रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर नज़दीक में ही रहते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, वो इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारा जो होम टाउन है, हमारा जो घर है, वो वज़ीराबाद ग्राउंड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इसीलिए हम आपको समय से मौसम के बारे में, ग्राउंड के बारे में बताते रहते हैं और आप लोग हमसे कनेक्ट रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद जितना कर लो उतना कम है। खैर, मुद्दे पर आते हैं, बात कर लेते हैं फिज़िकल की। आज था तीसरा फिज़िकल। आपको जैसा पता ही है कि 17-18 को 2 फिज़िकल हो चुके हैं, 19 और 20 को बारिश की वजह से, ग्राउंड गीले होने की वजह से फिज़िकल नहीं हुआ था, और आज 21 तारीख को था गर्ल्स का फिज़िकल। और आप ताज्जुब में रह जाएंगे कि गर्ल्स ने तो बिल्कुल ही अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि आज की जो वीडियो है मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल ग्राउंड से लाइव, जिस तरीके से गर्ल्स हमारी बहनें दौड़ रही हैं, जिस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा और आप यकीन नहीं मानोगे। इसीलिए मैं आपको वो चीज़ अभी मैं बोल नहीं सकता, वो मैं सिर्फ वीडियो में ही बताऊँगा आपको जब वो वहाँ पर आपको रनिंग करते हुए नज़र आएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो रेड वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और बगल में घंटा है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन फटाक से पहुंच जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो में अंदर ग्राउंड की तरफ और आपको दिखाएंगे कि क्या पोजिशन रही हमारी बहनों की। तो चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, अब आ गए हैं ग्राउंड पर और देखिए ये अंदर की ताज़ा तस्वीर है। तकरीबन 10:30 के करीब ये दौड़ हो रही है। हो सकता है ये सेकेंड शिफ्ट का हो, ये मुझे शिफ्ट कंफर्म नहीं है। और आपको बता दें, देखिए किस तरीके से गर्ल्स यहाँ पर दौड़ रही हैं। आपको बता दें कि 20 से 30 साल की जो गर्ल्स हैं उनका जो यहाँ पर रनिंग टाइम रखा गया है 1600 मीटर में, 8 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर करनी है। और अगर 30 साल से 40 साल की गर्ल्स हैं तो उसमें ये सब जो बनाए गए हैं ट्रैक, उसमें प्रॉपर वही टाइमिंग के बच्चे सारे एक जैसे हैं। यानी कि अगर 8 मिनट वाले बच्चे हैं इसमें तो सारे 20 से 30 साल की एज की ही गर्ल्स होंगी, और जो 9 मिनट जिनको मिला है उसमें 30 साल से 40 साल की ही गर्ल्स होंगी, और जो जिसमें 10 मिनट मिले हैं उसमें 40 साल से क्रॉस गर्ल्स होंगी। ऐसा नहीं है, देखिए आपको इसमें दिख भी रहा होगा कुछ लेडीज़ टाइप की गर्ल्स आपको दिखाई दे रही होंगी। मतलब लेडीज़ से कहने का मतलब यह है कि किसी की उम्र जैसे 21 है तो किसी की 29 साल है, किसी की 30 साल है, तो 21 और 29 वाली में थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है। ठीक है, तो मैं आपको बस वही चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। और देखिए किस तरीके से गर्ल्स भाग रही हैं। कुछ गर्ल्स तो पहले राउंड कंप्लीट करने के बाद ही इस तरीके से चलने लग गई, जैसे कि जैसे सुबह पार्क में नहीं आते मॉर्निंग वॉक के लिए, इस तरीके से। तभी हम बोलते हैं स्टैमिना बना के रखिए, दौड़ लगाते रहिए। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस शरीर सेहत में नहीं चलता, क्योंकि शरीर सेहत जब ही साथ देता है जब आप कुछ खाओगे पियोगे, सुबह जल्दी से उठोगे, एक्टिव रहोगे और रनिंग करोगे तभी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पोजीशन देखिए दिख ही रही होगी। अब यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, लगभग ये दूसरा राउंड है और दूसरे राउंड में आप चाल देख सकते हैं कुछ कुछ गर्ल्स की, हमारी बहनों की कुछ कुछ चालें कुछ इस तरीके से हो गई हैं कि वो कभी भी रुक सकती हैं। अगर एक भी गर्ल्स इसमें रुक जाती है तो मान लो दूसरी उसको देख के ऑटोमेटिक रुक जाएगी। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में ही, कि तीसरे वाले राउंड में देखना कि जब एक गर्ल्स रुकेंगी, यानी एक हमारी बहन रुकेंगी, तो उसके देख करके और भी लोग रुक जाएंगे। तो आपको बता दूं, आप लोग फिज़िकल में जब आए हैं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको किसी के ऊपर भी फोकस नहीं करना है, आपको 4 के 4 राउंड लगाने हैं अपने हिसाब से, दूसरे को नहीं देखना है, अपनी टाइमिंग आपको निकालनी है, 4 राउंड जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं अपनी स्टैमिना के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये लगभग तीसरा राउंड है और तीसरे राउंड में अब आपको और भी ज़्यादा स्लो होते हुए दिखाई दे रहे होंगी गर्ल्स। यही एक रीज़न रहा है कि किसी किसी बैच में 100 गर्ल्स को दौड़ाया गया है और 100 में से एक भी पास नहीं हुई। अब आपको दिख रहा होगा ज़्यादातर गर्ल्स अब चल रही हैं, कोई भी दौड़ नहीं रही। अब आप सोच लीजिए, जब कोई दौड़ेगा ही नहीं
तो फिर कहाँ से रेस क्लियर होगी, क्योंकि 2 मिनट का टाइम है कम से कम एक राउंड मारने का। और अगर हल्का हल्का देख, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको रेड कलर की ये जो लड़की अभी दौड़ रही है सामने, अगर इस तरीके से भी आप अगर दौड़ेंगे तो एक राउंड 400 मीटर का 2 मिनट में आप कवर कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर बिल्कुल भी स्टैमिना ही नहीं है, और यही हुआ है कि 100-100 के ग्रुप में से भी कोई कोई बैच ऐसा रहा है जहां पर एक भी लड़की क्वालिफाइड नहीं हुई है। और ये थोड़ा सा अजीब बात ज़रूर है, क्योंकि आपकी वैकेंसी भी इसमें 3-3.5 हज़ार थी, आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगाते तो यहाँ पर आपको वर्दी मिल जाती, सिलेक्शन आपका हो जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब आप इसी चीज़ से सीखोगे आगे कि आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते पहले तो आप यहाँ पर कमाल कर जाते। क्योंकि अभी तो ये मान लो कि 10-10:30 बजे के, अभी जो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे करीब दौड़ होगी, तो उस टाइम कितनी धूप होगी। अब सोचो इन्होंने ही हिम्मत हार दी है तो आगे का रिजल्ट क्या होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि तैयारी ज़रूर करते रहिए, सुबह मॉर्निंग में उठिए, रनिंग कम से कम जितनी हो पाए उतनी रनिंग कीजिए, चाहे धीरे धीरे ही क्यों ना कीजिए। अब देखिए, अब चौथा राउंड की तरफ हम पहुंच चुके हैं, और चौथे राउंड में आपको कुछ लड़कियां तो दिख रही होंगी जो थोड़ा सा अभी मेहनत कर रही हैं और सोच रही हैं कि हम निकल भी जाएंगे। और मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, और वो देखिए यही माइंड पॉजिटिव रहना चाहिए। चौथे चक्कर में आपको खींच के रखना है, जितना भी आपको लगे कि आपके शरीर में एक एक सांस रह गई, आप उतना प्रयास जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सारी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है, प्रॉपर ग्राउंड दिखा दिया है जो कि आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। हमारी भी कोशिश रहती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश करें। बिल्कुल भी अभी हमने कुछ खाया भी या भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही सुबह आए थे अंदर एंट्री जैसे तैसे हमें मिल गई थी, चोरी छुपके से एक जान पहचान के बंदे के थ्रू हमने फिर एक वीडियो को यहाँ से शूट किया, और शूट करने के बाद आपके सामने ये वीडियो दिखा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्यारा सा लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी करनी हो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो के अंदर किस तरीके से गर्ल्स भाग रही हैं, और किस तरीके से तभी हम बोलते थे कि आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यहाँ पर रिजल्ट निकाल सकते हैं, और जिसका भी फिजिकल कंप्लीट हो जाता उनको वर्दी मिल जाती, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम था गर्ल्स के अंदर, ऑलरेडी बहुत कम फॉर्म भरे गए थे और वैकेंसी का कोटा ज़्यादा था, और उतने में भी गर्ल्स कम आई हैं जितने फॉर्म भरे गए थे। तो एग्जैक्ट डाटा भी हम आपको कोशिश करेंगे शाम तक कलेक्ट करने की, कोशिश करेंगे कितनी गर्ल्स आई हैं ये पता करने की, और कितनी क्वालिफाइड हुई हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ज़्यादा गर्ल्स पास नहीं हो पाई हैं, किसी किसी बैच में तो 100 के 100 बैच में से पूरा का पूरा बैच ही खराब हो गया, यानी कि एक सिंगल गर्ल्स भी नहीं निकली है, ऐसी ऐसी पोजिशन रही है। तो मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी समय से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, बहुत से लोगों ने बोला था कि ग्राउंड के अंदर की वीडियो बनाना, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज आपको ग्राउंड के अंदर की ही वीडियो दिखाएं। अब कुछ रिव्यूज हमारे पास आए हैं, लेकिन वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, बाद में दिखाऊंगा उस वीडियो में, क्योंकि वो एडिट करनी है, अभी वीडियो तैयार नहीं है। जब वीडियो एडिट कर लेंगे तो आपको रिव्यू वाली वीडियो भी दिखाएंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रखना, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।